बिग बॉस सीजन 13 का आज वीकेंड कवार का एपिसोड ऑन एयर हुआ। आपको बता दें कि इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। बहरहाल एपिसोड कल के जो स्टेज पे छूटा था उसी के बाद से कंटिन्यू हुआ। घर के अंदर बिग बॉस ने आसिम को एक टास्क दिया था और इस टास्क के अंदर आसिम को पुलिसमैन बनना था और पुलिसमैन बन के घर वालों पर एक तरह से अपनी डिक्टेटरशिप चलानी थी, अपने रूल्स मनवाने थे और घर वालों को जो रूल नहीं मानेगा उन्हें पनिशमेंट देने थे। ये टास्क कंटिन्यू हो ही नहीं पाया। जहाँ इस टास्क को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था सभी घर वालों के द्वारा, इस टास्क को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी ने भी एफर्ट्स नहीं किए। घर के अंदर आसिम तक जो कि इस टास्क के मेन व्याख्याता थे, मतलब वही इस टास्क के कर्ता धरता थे, उन्होंने भी इस टास्क को कुछ खास इंटरेस्टिंग वे में लिया नहीं। वरना शायद घर के अंदर अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग टास्क अगर होता तो यही होता, क्योंकि यही ऐसा टास्क था जो कि सिर्फ एंटरटेनिंग वे में किया जा सकता था। घर के अंदर इसमें कुछ भी फिजिकल नहीं करना था, ना बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी, ना ही किसी को दूसरे की सीढ़ियां तोड़नी थी, मतलब इस तरीके का टास्क था ये। तो फिजिकल एक यही टास्क था जिसे एकदम एंटरटेनिंग वे में करना था। घर वालों को जो है पनिशमेंट भी बहुत ईजी थे, गुब्बारे फुलाना, टी शर्ट पहन के घूमना, जेल में बैठना, आसिम की तारीफ, मतलब पनिशमेंट भी वो अपनी तरफ से अपग्रेड कर सकते थे। लेकिन टास्क कुछ खास किया नहीं घर वालों ने। और टास्क के अंदर हुआ क्या, बारी बारी सिद्धार्थ शुक्ला को सब ने टारगेट बनाया। घर के अंदर एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला लोन वुल्फ हो रखे हैं, घर के अंदर अकेले हैं। हाल फिलहाल उनकी टीम की अगर बात करें तो उनकी टीम में है पारस, माहिरा और सिद्धार्थ शुक्ला। इसके अलावा जो बाकी सभी लोग हैं, यहाँ तक कि सहनाज भी, अब सबके अपोजिट हो चुके हैं। अब बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला और सहनाज की इक्वेशन के बारे में। इन दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा लोगों को अटैचमेंट है, सिद्धनाज नाम से भी फेमस हैं ये दोनों, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को भी ये बात पता है। और विकास गुप्ता ने इन्हें ये बात कह दी थी कि आप दोनों ऑलरेडी जो सिद्धनाज नाम से बाहर बहुत फेमस हैं, आपको हैशटैग भी दिया हुआ है, तो दोनों के दिमाग में ये बात घर करी होगी। बहरहाल आपको बता दें कि ये दोनों जो है ना घर के अंदर टास्क भी अगर कोई करते हैं तो एक दूसरे की इक्वेशन से इनकी अच्छी नज़र आती है। लेकिन अब पारस और माहिरा की वजह से दोनों के बीच की जो इक्वेशन है वो बहुत ज़्यादा डल हो गई है। क्यों? क्योंकि सहनाज कहीं ना कहीं पारस को पसंद करती हैं, कहीं ना कहीं वो माहिरा से जेलस हैं। अब माहिरा से जेलस की बात अगर कोई उनको करता है तो उन्हें बुरा लगता है, और सिद्धार्थ शुक्ला को वो इग्नोर करती हैं सिर्फ पारस के लिए। तो सिद्धार्थ शुक्ला ये बात समझ चुके हैं और इस बार माहिरा का साथ देते हुए नजर आए। जहाँ सहनाज गलत लगती है उन्हें तो उसे भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार समझाया नहीं बल्कि दूरी बना ली और सिद्धार्थ ने साफ कह दिया कि अब मुझे उससे बात नहीं करनी। इस बार सहनाज ने भी एफर्ट्स लिए हैं और कहा है कि अब दूरी बनाते हैं। सहनाज को घर के अंदर नाम दिया गया है फ्लिपर, फ्लिपर इसलिए क्योंकि वो कहीं भी फ्लिप मार देती हैं। दोस्तों सहनाज ही घर में एक ऐसी इंसान है जो कि बहुत जेन्युइन गेम खेल रही है। वो जिसके साथ है वो उसके साथ है, जिसके साथ नहीं है उससे उसने दूरी बना ली। और आसिम के साथ अगर वापस से वो हुई हैं तो कहीं ना कहीं अब वो आसिम का पूरी फुल 100% तरीके से साथ देंगे, लेकिन अगर वो उसके अपोजिट होंगे तो वो उनको बुरी तरीके से अपोज करेंगे। माहिरा जिनके साथ सहनाज की इक्वेशंस अच्छी हो गई थी, लेकिन अब वो वापस से इक्वेशन ख़राब हो गई हैं पारस की ही वजह से। ये बात तो सच है कि जब पारस और सिद्धार्थ शुक्ला बाहर थे, मतलब घर में नहीं थे, तो सहनाज एक ऐसी थी जो माहिरा को कंसोल कर रही थी और उन्हें कह रही थी कि भाई ठीक है कोई बात नहीं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन माहिरा सहनाज के बजाय सभी घर वालों से अपनी बॉन्डिंग बनाने में लगी हुई थी और माहिरा के लिए सपोर्ट सिस्टम बनकर आई थी सहनाज, अब उन्हीं से दूरी बना ली है। और ये सारी जो जड़ है ना वो पारस की है। पारस ये बात जानता है कि घर के अंदर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करनी है कैसे भी करके, और कॉन्ट्रोवर्सी उसने अपने लिए तो क्रिएट कर रखी है। लव ट्राइंगल से बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी आखिरकार क्या हो ही सकती है। इसके अलावा घर के अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्सी है सिद्धार्थ और रश्मि के बीच की, जो कि घर के बाहर की राइवलरी है और घर के अंदर पहुंची हुई है। ये राइवलरी बहुत पुरानी है और घर के अंदर इस राइवलरी को पर्सनल तरीके से लिया गया है।
बात करें तो विकास गुप्ता से जब सलमान सर ने पूछा था कि आखिरकार राइवलरी में मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि विकास और शिल्पा शिंदे जब सेम सीजन में थे तो उनकी राइवलरी प्रोफेशनल थी, लेकिन अब यहाँ पर इनकी राइवलरी जो है वो पर्सनल है। पर्सनल लेवल पर ये दोनों एक दूसरे के चले जाते हैं और यही होता है। रश्मि को सिद्धार्थ ऐसी लड़की कहते नज़र आ रहे हैं तो रश्मि भी कुछ कम बातें नहीं कह रही हैं। रश्मि भी उनको गंदा लड़का, तेरी माँ ऐसी होगी वगैरह वगैरह चीज़ें कह रही हैं, क्योंकि यार ये चीज़ें ऑन टीवी नहीं कहनी चाहिए। और वो कह रही हैं और उसके बाद वो सिंपथी गेन करने के लिए ये बात भी कहती हैं कि क्या क्या कह रहा है मेरे बारे में। तो अगर वो आपके बारे में कह रहा है कुछ भी तो आप भी उतना ही उसके बारे में कह रहे हो। ये चीज़ आप सिंपथी गेन नहीं कर सकते कि भाई वो मेरे बारे में कह रहा है और मैं कहूँगी तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप भी उतनी बातें कह रहे हो जितनी कि वो कह रहा है, तो आप दोनों ही दलदल में बराबर फंसे हो। ये बात भी क्लियर है कि घर के अंदर ज़्यादा सभी लोग ग्रे पर्सनैलिटी के हैं, कोई सही नहीं है कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप शो के स्टार्टिंग में किसी एक को लेकर चलोगे और आपको वो एक इंसान सही लग रहा होगा तो एंड तक आपकी खुद की इक्वेशन बदल जाएगी, और घर वालों की खुद की इक्वेशन तो सेकंड से बदल जाती है। इनका पता ही नहीं चलता कौन किसका कब दोस्त है, कौन किसका कब दुश्मन है। दूसरी ओर घर के अंदर आज जो भी हुआ, वीकेंड का वार के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से घर में चीज़ें फिजिकली फ़ाइट पर पहुंच चुकी हैं, और फिज़िकल फ़ाइट का कुछ बड़ा यहां पर तोड़ निकालते नहीं है बिग बॉस। अगर स्टार्टिंग में ही तोड़ निकाल लिया होता तो फिज़िकल फ़ाइट इतनी पहुंचती नहीं। पहली बात तो ये जो बिग बॉस शो है ये फैमिली शो है, इसीलिए ये टीवी पर आता है, इसे बच्चे भी देखते हैं बड़े भी देखते हैं। लेकिन आप अगर देखें तो पिछले सीजन्स के मुकाबले इसने टीआरपी का तो तोड़ा है मामला, क्योंकि शायद हमें ही ज़्यादा लड़ाइयाँ देखनी पसंद है, लेकिन इतनी लड़ाइयाँ देखनी भी किसे पसंद है, शायद ही कोई इंसान होगा। क्योंकि कल का भी एपिसोड अगर आप देखो तो शुरू से एंड तक सिर्फ लड़ रहे थे, स्ट्रेटजी बनाकर सिर्फ चिल्लम चिल्ली हो रही थी, कुछ भी इंटरटेनमेंट जैसा कुछ खास नज़र आया नहीं। और आज का एपिसोड भी शुरुआत उसी से हुई, और हर वीकेंड का वार में सलमान खान एक ही बात बोलते हैं, एक ही बात रिपीट लूप पर चल रही है, पर पता नहीं इनके भेजे में जा क्यों नहीं रही है। हर सीज़न में लोग समझदार होते हैं, टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे घर में निकलता जाता है चीज़ें उनके लिए शॉर्ट होती जाती हैं और उन्हें समझ आने लग जाता है कि बाकी का गेम आखिरकार खेलना कैसे है। लेकिन ये तो हर नए दिन बचकांड हरकत होती है घर के अंदर, हर कोई बचपना करता है, हर कोई अब ये समझ चुका है कि चिल्लाओगे तो दिखोगे और नहीं चिल्लाओगे तो नहीं दिखोगे, और शायद ये कहीं ना कहीं सच भी है। इसी वजह से जो शो है और शो के मेकर्स हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस तरीके से ले रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि वीकेंड का वार जो ऑन एयर हुआ आज एपिसोड, उस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच धक्का मुक्की हुई, जहां पर अरहान बीच में आए, और अरहान के बीच में आने के बाद से ही बहुत ज़्यादा फिजिकल हो चुकी थी फाइट। और हम आपको बता दें कि उनके मैनहुड के ऊपर सवाल उठाया जो रश्मि देसाई हैं उन्होंने, जिसके बाद रश्मि देसाई को भी मारने पहुंचने वाले थे। सिद्धार्थ शुक्ला मारते नहीं ये तो सब जानते हैं, लेकिन गुस्से में बहुत नज़र आए थे। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा होता है नहीं, और सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत अभी हाल फिलहाल ख़राब है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि घर के सभी सदस्य सिद्धार्थ शुक्ला से टीआरपी ले रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला सबसे ज़्यादा दिखते हैं और उनका गेम स्ट्रांग है, विल स्ट्रांग है। अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड्स में होता क्या है। सलमान खान सबकी क्लास तो लगाते हुए नज़र आ ही रहे हैं। बहरहाल सलमान सर की बात ये कितनी मानते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि लोग बात कितनी मानते हैं, क्योंकि बात तो अभी तक मानी है नहीं। हर बार इन्हें बोला गया है कि भाई अगर किसी डब्बे में कचरा है तो उस कचरे में के डब्बे को मत खोलो, पर ये लोग क्या करते हैं कचरे के डब्बे को खोलते हैं और उसमें मुंह भी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और इस चीज़ के ऊपर
इन्हें कंट्रोल करना होगा वरना बिग बॉस को कुछ ऐसा रूल बनाना होगा कि ये कंट्रोल करें। बहरहाल मलिका शेरावत आई थी घर के अंदर और मलिका शेरावत आई और उन्होंने घर में एक पावर कार्ड दिया, 5 पावर कार्ड दिए आरती को और वो बन चुकी है अपोजिंग कैप्टन। अब जो भी नया कैप्टन भी बनेगा उनके पास अपोजिंग पावर रहेगी, तो अब देखते हैं ये अपोजिंग पावर जो है ये कब और कैसे कितने दिमाग लगा के इस्तेमाल करती है। बहरहाल आप कितने को कैसा लगा एपिसोड हमें ये भी बताएं कमेंट करके, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, क्योंकि यही मिलती है आपको बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि आपका घर में सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और इस लड़ाई में आप किसको सपोर्ट करते हैं।